हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस स्वतंत्रता दिवस की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आई विश कि इस साल आप सभी की लाइफ में समृद्धि आए, प्रॉस्पेरिटी आए, आप सभी की हेल्थ अच्छी बनी रहे, वेल्थ आपकी क्रिएट हो, फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज हो। तो दोस्तों, इस मौके पर मैं आपको एक अपडेट देने चाहता हूँ कि आज ही हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम दिया गया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जी हाँ दोस्तों, इसको अनाउंस करके लॉन्च कर दिया गया है। ये कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड एक स्कीम है जिसमें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है सभी लोगों को। पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ ये बताता हूँ उससे इंडिया में हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों, ये क्या रिवॉल्यूशन होगा मैं आपको बताता हूँ। हम सभी ने देखा था कि थोड़े टाइम पहले इंडिया में आधार कार्ड को लॉन्च किया गया था, और आधार कार्ड को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि सभी बंदियों को एक नंबर दिया जाएगा, एक डिजिटल नंबर दिया जाएगा जिसके थ्रू उनकी पहचान होगी। तो काफ़ी फ्रॉड्स कैसे रुके थे उससे दोस्तों, काफ़ी लोग क्या करते थे, दो दो पैन कार्ड रखते थे, टैक्स की चोरी करते थे, पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लॉन्च कर दिया गया और आधार कार्ड एक से ज़्यादा नहीं बन सकता, तो वहाँ चोरी रुकी। साथ ही साथ दोस्तों, हमने देखा था कई लोग डबल सैलरी लेते थे गवर्नमेंट फील्ड में, वो अलग अलग अपने आप कह सकते हैं आईडी प्रूफ दे देते थे, पर आधार कार्ड आईडी से जब उनको लिंक किया गया तो उसमें भी काफ़ी लोगों की चोरी पकड़ी गई थी। इसी तरीके से दोस्तों, गवर्नमेंट जो लॉन्च करने जा रही है वो हेल्थ आईडी लॉन्च करने जा रही है, यानी हर एक बंदे को, हर एक सिटीजन को हेल्थ की एक आईडी नंबर दिया जाएगा। और दोस्तों, इस आईडी नंबर में उस बंदे की सारी मेडिकल हिस्ट्री जो होगी वो इंक्लूड की जाएगी, अपलोड की जाएगी। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, कब आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, कितनी बार आपने उस डॉक्टर को दिखाया, अगर आपको कोई डिसीज़ है तो उस डिसीज़ की पूरी हिस्ट्री, आपको डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया, आपको डॉक्टर ने कौन कौन से टेस्ट कराए, आप अगर अलग अलग डॉक्टर पे जाएंगे दोस्तों तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फीड की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी। तो जब भी आप किसी दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे तो वो दूसरे डॉक्टर उस आईडी कार्ड से आपकी सारी डिटेल चेक कर सकता है। अब दोस्तों, इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम है यूएस में या कैनेडा में ये ऑलरेडी चलता है। तो दोस्तों, वहाँ क्या क्या होता है, जैसे हम अभी जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर हर बार दोबारा टेस्ट कराता है, वो पहले वाला टेस्ट नहीं मानता है। पर दोस्तों, कनाडा यूएस में क्या होता है, वो डॉक्टर पहले ही देख लेता है कि ऑलरेडी कौन कौन से टेस्ट हो चुके होते हैं और उसके आगे का आपका ट्रीटमेंट बताता है। तो दोस्तों, यहाँ भी एक आईडी कार्ड दी जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स जो ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी वो इंक्लूड की जाएंगी। तो आई होप शायद ये चीज़ भी उसमें इंक्लूड की जाएगी। डॉक्टर आपसे बार बार टेस्ट करने के लिए कहता है, वो नहीं कराए, ऑलरेडी आपके उस आईडी कार्ड से चेक कर ले जब भी आप किसी डॉक्टर पर विजिट कराएं। अब दोस्तों, इससे बेनिफिट क्या होगा, ओवरऑल बात करूँ तो टोटल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ होगी, साथ ही साथ जो हमारा हेल्थ सेक्टर है इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया, अब दोस्तों कई डॉक्टर क्या होते हैं, वो चीट करते हैं लोगों को, एक्सेसिव बिल बना देते हैं हॉस्पिटल वाले, पर जब वो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी उसमें तो वो भी इस चीज़ से बचेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, सही इन्फॉर्मेशन हो, पेशेंट को चीट ना किया जाए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बता देता हूँ, काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे भी हैं, तो दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर्स की बुराई करना नहीं है, राइट। हमें पता है इस वक्त भी डॉक्टर्स जो हैं हमारे वो सेवियर हैं, काफ़ी लोगों को बचा रहे हैं, पर दोस्तों हमने देखा है काफ़ी हॉस्पिटल है उनका प्रेशर रहता है डॉक्टर्स के ऊपर, तो वो अनवांटेड एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं या कोई जो मेडिसिन नहीं देनी चाहिए उसका भी बिल लगा रहे हैं, वो मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से क्या होता है, पेशेंट के संग कभी कभी चीटिंग होती है, हमने देखा भी था अभी काफ़ी हॉस्पिटल्स वालों ने कोरोना के टाइम में काफ़ी एक्सेसिव बिल बनाए। पर दोस्तों, गवर्नमेंट जो हेल्थ मिशन लेके आ रही है, डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एक आईडी बनाई जाए, हर बंदे को दी जाए और जो भी उसका सब मेडिकल हिस्ट्री है वो टोटल इंक्लूड की जाए, तो उसको भी बेनिफिट होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये चाह रही है कि चीटिंग बिल्कुल भी ना हो। अब दोस्तों, ये इंप्लीमेंट कब होगी, तो ये बताया जा रहा है कि 2021 से एक ड्राफ्ट तो बन चुका है अभी इसका, जिस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है, पर ये बताया जा रहा है कि 2021 के स्टार्टिंग में ही शायद आपको डिजिटल हेल्थ नंबर है, जो आईडी नंबर है वो दे दिया जाए। एक्चुअल हम देखेंगे अभी कितना टाइम लगेगा उसमें। साथ ही साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने दो बातों पर और फोकस किया, एक तो फोकस किया आत्मनिर्भर भारत पर। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, हम अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, हम अपने पार्ट पर ऑनेस्ट रहेंगे, तभी हमारी कंट्री ग्रो करेगी। और दोस्तों, कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने ये फोकस किया कि 3 वैक्सीन पर ऑलरेडी ट्रायल हो रहा है, 2 वैक्सीन है उन पर तो फेज 1 और फेज 2 में ट्रायल हो रहा है, और दोस्तों जो 3rd वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, उसके 3rd फेज का ट्रायल यहाँ पे होगा, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट करेगी कि मास प्रोडक्शन करेगी और सभी को वो वैक्सीन पहुँचाई जाएगी जो भी सक्सेसफुल होगी।
तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आगे भी कोई अपडेट आती रहेगी तो मैं आप लोगों को देता रहूंगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पर मेनली अकाउंट, फाइनेंस, टैक्सेशन या कोई भी बड़ा अपडेट आता है उसके वीडियो आपको देते रहते हैं। थैंक यू।